नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, शादी एक ऐसा अवसर होता है जिसके बारे में हर व्यक्ति सोचता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। दोनों ही लोग शादी के बारे में सोच करके काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि आखिरकार स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद की शादी देखने का क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सपने में किसी और की शादी देखने का क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सपने में शादी देखने का क्या अर्थ होता है और उसका हमारे भविष्य से किस प्रकार का नाता होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, हर इंसान अपनी शादी के बारे में जरूर सोचता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान अपने सपने में खुद की शादी होते हुए देखता है तो यह सपना उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्वप्न शास्त्र अनुसार इस बात को कहा जाता है कि सपने में खुद की शादी देखने का अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप लोगों को कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने जीवन में कई तरह की मानसिक परेशानियों को भी झेलना पड़ेगा। नंबर दो, दोस्तों, अगर आप लोग कुंवारे हैं और उसके बावजूद आप लोग अपनी खुद की शादी होते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी शादी में और ज़्यादा देर होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है और आप लोग ऐसे में खुद की शादी होते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका रिश्ता पक्का नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। नंबर तीन, दोस्तों, अगर आप लोगों की शादी हो गई है और शादी होने के बाद अगर आप लोग अपने सपने में शादी देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की दिक्कत और परेशानियां आ सकती है। आप लोगों के बीच आपसी मनमुटाव काफ़ी बढ़ सकते हैं और आपके लड़ाई झगड़े और कलेश इस हद तक हो सकते हैं कि शायद आप दोनों के रिश्ते खत्म हो जाए। इसीलिए आप लोगों को इसे भविष्य का संकेत समझ करके अपने रिश्तों को बहुत ही मधुर तरीके से निभाना चाहिए। नंबर चार, दोस्तों, अगर आप लोग कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं जिस स्वप्न में आपकी बारात जा रही है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा और शुभ है, जिसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप लोगों की मान मर्यादा में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आप लोगों को कई तरह के लाभ होंगे। नंबर पाँच, दोस्तों, अगर आप लोग कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं जिस सपने में आप लोग किसी महिला को शादी के जोड़े में देखते हैं तो ये सपना आपके लिए एक अच्छा सपना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है और आपका पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर छह, दोस्तों, सपने में दोस्त या रिश्तेदार की शादी देखना भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक अशुभ सपना होता है, जिसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है, जिससे आप लोगों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा बल्कि साथ ही साथ आप लोगों को मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा।